हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज का ये हमारा जो है फंजाई से संबंधित दूसरा पार्ट है, और फंजाई अपने पहले लेक्चर में हमने संपूर्ण जो है फिनिश कर दिया था, लेकिन इसमें अभी बचा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो अपने इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में बात करने वाले हैं, फंजाई का आर्थिक महत्व क्या है, और उसी के साथ साथ गाइज कुछ एग्जाम ओरिएंटेड जो है क्वेश्चंस हैं, जो पॉइंट टू द पॉइंट हैं, उनको भी हम इसके अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। यह लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस मैं इसमें शामिल किया हूँ गाइज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज आज के अपने इस लेक्चर को। एक बार थोड़ा सा आप लोग तेजी से सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर आपको मज़ा आ जाएगा गाइज यह लेक्चर देख करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तो अभी हम बात करेंगे ही, लेकिन आपको बता दें, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि फंजाई के अंतर्गत आपको कितने जीनस पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं आपको 8 जीनस पढ़ने हैं। और 8वें जीनस में क्या क्या था भाई, मैंने बताया था ए स्क्वायर और पी क्यूब, एम आर एस, यही है 8। कैसे गाइस? ए का मतलब है, एक तो एल्बिगो आपको पढ़ना है, एल्बिगो है। दूसरा क्या था, एगेरिकस है। और पी से क्या थे, यहाँ पक्सीनिया था, और पाइथियम और पेनिसिलियम, ये थे गाइस पेनिसिलियम। और यम से क्या है, यम से है म्यूकर, और आर से है राइजोपस, और यस से है सैकेरोमाइसीज, अर्थात कह दीजिए ईस्ट। क्या है गाइज? ईस्ट, ठीक है। तो ये 8 पढ़ने हैं। तो 8 में देख लीजिए, एक क्वेश्चन बनता है, अगर जटिल बना रहा है क्वेश्चन, तो उसको मैं भी सिंपल करने का प्रयास करता हूँ गाइज। तो देखिए, जटिल अगर पूछेगा तो पूछेगा कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, या पूछ लेगा इनका ऑर्डर क्या है, इनका ऑर्डर क्या है। तो इसको देखिए जरा कैसे आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया एक म्यूकर, हो गया राइजोपस, हो गया एल्ब्यूगो, हो गया पाइथियम, हो गया और ईस्ट, पेनिसिलियम, पक्सीनिया, एगेरिकस, 8 है गाइज, 8। अब इन 8 में थोड़ा मोटा मोटा अगर हम बात करें तो एक फाइकोमाइसिटीज है क्लास, और एक एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इसी तीनों में से ये 8 शामिल है। तो ये ऑर्डर भी पूछा है गाइज और क्लास भी पूछा है, क्वेश्चन उठा करके पिछले साल का आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत देख लीजिए, जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज है। जाइगोमाइसिटीज के अंतर्गत क्या है, म्यूकर है और राइजोपस है। इन दोनों का ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर है म्यूकोरेल्स, देख लीजिए दोनों का ऑर्डर क्या है, म्यूकोरेल्स है। और ओमाइसिटीज में एल्बिगो है, पाइथियम, इनका ऑर्डर क्या है, प्रोनोस्पोरेल्स है, ये ऑर्डर है इसका। अब वहीं दूसरे अगर एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें ईस्ट है और पेनिसिलियम है। तो ईस्ट का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है गाइस, ईस्ट का ऑर्डर जो मैंने लिखा है सामने, इंडोमाइसिटेल्स है। पेनिसिलियम का है एस्परजिलेल्स है, ये ऑर्डर हो गया। अब वहीं बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें पक्सीनिया शामिल है और एगेरिकस। और पक्सीनिया का जो ऑर्डर है वो क्या है, यूरिडिनेल्स है, और एगेरिकस का है एगेरिकेल्स है। ये सभी ऑर्डर हैं जो आगे मैंने नोट किया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, अगर बहुत जटिल पूछता है, बनाता क्वेश्चन, तो यहां तक आएगा गाइस। तो एक बार इसे आप ध्यान दीजिए। आगे चलते, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को आप समझेंगे तो आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी गाइस। और देखिए, क्लासिफिकेशन मैंने कैसे बनाया, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में बनाया है और बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा गाइस। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा तुरंत। देखिए, क्लासिफिकेशन मोटा मोटा हिसाब से आप देखिए जरा इस क्लासिफिकेशन को। ये जो क्लासिफिकेशन है, मेनली डिवाइडेड इनटू 6 क्लास, यानी फंजाई को मुख्य रूप से कितने क्लास में, 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। फंजाई को मुख्यतः 6 क्लास में डिवाइड किया गया। एक तो है साइजोमाइसिटीज, देख लीजिए जरा, ये 6 क्लास है गाइस, ये 6 क्लास है यहाँ पर, आप देख लीजिए साइजोमाइसिटीज, इसमें मोस्टली बैक्टीरिया को शामिल किया गया है। और मिक्सोमाइसिटीज, इसमें स्लाइम माउल्ड्स हैं, स्लाइम माउल्ड्स, और इसका करेक्टर है, स्लाइम माउल्ड्स कैसे होते हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो नेक्ड होती है, स्लाइम माउल्ड्स की इनकी प्लांट बॉडी नेक्ड होती है, और अमीबॉयड होते हैं, अमीबी गति होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या कहा जाता है, स्यूडोप्लाज्मोडियम कहा जाता है। इनके प्रोटोप्लाज्म को स्यूडोप्लाज्मोडियम कहा जाता है गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा। ये है स्लाइम माउल्ड से संबंधित, किससे, स्लाइम माउल्ड से। अगला जो है वो है फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो थोड़ा फाइकोमाइसिटीज को आप जानते हैं कि जैसे ये थोड़ा सा, ये कहाँ से, एल्गल फंजाई, इसको कहते हैं फाइकोमाइसिटीज को, एल्गल फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो है कैरेक्टर्स है वो किससे मैच करता है, बिलोंग करता है एल्गी से, इस कारण से।
फाइकोमाइस्टिस इसको बोलते हैं, ठीक है, एल्गल फंजाई भी कहते हैं इसे, और एस्कोमाइस्टिस को आप जानते हैं सैक फंजाई भी कहते हैं, सैक फंजाई भी कहते हैं। अब बेसिडियोमाइस्टिस को क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है, और पफ बाल यह भी कहते हैं, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपसे जिक्र किया था। ड्यूटेरोमाइस्टिस है, इसे फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं, और इसकी एक विशेषता है इसकी ड्यूटेरोमाइस्टिस की, इसमें आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है गाइस, इसमें अब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल नहीं होगा तो होगा किसके द्वारा जनन, तो ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ड्यूटेरोमाइसिस में, और किसके द्वारा होता है, वो होता है कोनिडिया के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस थोड़ा सा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत बार पूछ चुका है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें अब्सेंट होता है, तो आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइसिस में। अब पूछेगा कि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो होता है किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा गाइस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं, देख लीजिए, मैं बिल्कुल फैक्ट पॉइंट टू द पॉइंट लेकर के आता हूं गाइस। अब यहां पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा एक कंडीशन यहां पर, जो ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, बना सकता है गाइस। देखिए अब वो इतने साधारण क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि आप पेपर उठा करके देख लीजिए, जो पहले 2005, 2004 या 2008 तक, 9 तक, 10 तक, यहाँ तक थे सिंपल, लेकिन अब जैसे क्वेश्चन बना रहा है थोड़ा सा डीपली जा रहा है गाइस, गहराई से क्वेश्चन को उठा रहा है, तो गहराई तक क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे उसको आप ध्यान से समझिएगा। जब इन टर्मिनोलॉजी को आप समझेंगे तो फंजाई से आप क्वेश्चन बिल्कुल फंसा देंगे, वो बाहर नहीं जाएगा। जैसे आपको समझना है क्लैंप कनेक्शन क्या है, अब देखिए एक तो टर्म है क्लैंप कनेक्शन, दूसरा है क्लंप फॉर्मेशन, ये दोनों में पहली बार डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि ये एलगी में है क्लंप फॉर्मेशन तो यहां पर क्यों आ गया भाई, अब एलगी में है क्वेश्चन तो बनेगा ना टीजीटी पीजीटी से बनेगा ही बनेगा, तो यहां इसको भी आपको समझना है, उसको भी समझना है गाइस। और जैसे ये तो बहुत पूछा ही क्लंप कनेक्शन, लेकिन अभी क्रोजियर फॉर्मेशन नहीं पूछा ना, तो अब ये क्रोजियर फॉर्मेशन पूछेगा गाइस, क्रोजियर फॉर्मेशन क्या है, तो पहले से जब जाने रहेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे गाइस। तो देखिए जरा क्लंप कनेक्शन पहले समझ लीजिए क्या है, फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज, ये किसमें पाया जाता है क्लंप कनेक्शन, ये पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटीज में, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, पूछ लिया गया है, मोस्टली ये फंजाई में है। और ये क्लंप कनेक्शन है क्या, हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्रोइंग हाइफी सेल, जो टर्मिनल होती है, अभी मैं इसको समझा रहा हूं कि क्या है ये क्लंप कनेक्शन, और ये मेंटेन करता है किसको, डाइकेरियन को मेंटेन करता है, जानते हैं जब दो न्यूक्लियस हो जाते हैं एक ही जो है हाइफी में, बिल्कुल एक दोनों तरफ सेप्टा से अंदर हो जाते हैं तो डाइकेरियन कहलाता है। फर्स्ट ऑब्जर्व बाई हॉफमैन, देखो अभी ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ये क्लंप कनेक्शन को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो ऑब्जर्व किया था किसने, हॉफमैन ने। अब सब कुछ यहीं पर आपको मिल गया, अब थोड़ा सा समझिए ये है क्या क्लंप कनेक्शन है क्या। देखिए जैसे एक ये है हाइफी भाई, ये है फंजाई की हाइफी, ये न्यूक्लियस है, एक दूसरी हाइफी है, अब यहां पर एक फंजाई की ये दूसरी हाइफी है, ये प्लस स्ट्रेन है और ये माइनस स्ट्रेन है गाइस, एक प्लस है और एक माइनस है। अब ये दोनों आपस में बिल्कुल पास में आएंगे गाइस, तो इसमें एक आउटग्रोथ निकलती है ऐसे, ये आउटग्रोथ निकलती है इस तरीके से, ठीक है। अब ये डिजॉल्व हो जाती है, ये भित्ति डिजॉल्व हो जाती है, एक इसका न्यूक्लियस एक इसका, ये डिजॉल्व हो जाती है, तो इसके न्यूक्लियस यहां पर मिल जाते हैं गाइस, इसके न्यूक्लियस यहां पर दोनों आ जाते हैं, एक को मान लेते हैं ए है और एक को मान लेते हैं हम बी है, ठीक है, ए और बी, एक दूसरे कलर से दिखा देते हैं इसको जो है, इसको बी को दूसरे कलर से है। अब होता क्या है गाइस, जब ये इस तरीके से इस कंडीशन में होते हैं तब ये कंडीशन देखो यहां पर ऐसे आती है, अब मैंने बताया कि एकदम टर्मिनल पर जब होगा तभी इसका फॉर्मेशन होता है, एक न्यूक्लियस है गाइस ये बी और एक न्यूक्लियस है यहां पर ए, ए न्यूक्लियस है, तो अब ये दोनों क्या करता है, ये दोनों डुप्लीकेट होने का प्रयास करते हैं गाइस, डुप्लीकेट होते हैं। अब कैसे डुप्लीकेट होते हैं इसको समझिए जरा, यहां पर इस तरीके से, यहां पर ये डुप्लीकेट हो गया और ये जो रेड कलर का मैंने दूसरे कलर में दिखाया ये भी दो बना दिया। अब ये इसके साथ होकर के यहाँ आउट ग्रोथ निकलती, हुक लाइक स्ट्रक्चर बनती है गाइस, यहां पर देखिए ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, कैसे बनती है इस तरीके से, यहां पर हुक जैसी संरचना बनती है, यहां ध्यान दीजिए, अब यहां हुक जैसी संरचना बनती है तो इसमें आ जाते हैं, पहले ये अलग है थोड़ा सा, अब इसमें एक है और ये रेड वाला इसी के साथ आ गया गाइस, यहां पर इसके साथ,
अब ये एक तो रेड इसके साथ आ गया और एक रेड यहीं पर है और इसका एक जो इसके संगत है ए, एक तो ये है, ये एक इसके साथ हो गया। अब ये एक इसके साथ होता है, सॉरी अब ये जो रेड का कलर का है, मैं थोड़ा सा अरे गायब हो गया गाइस, फिर से मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर इस तरीके से तो एक जो है ये है ये कलम यही बनता है और इसके थ्रू एक यहाँ पर है ये आ जाता है और एक इसका न्यूक्लियस तो है कहाँ, एक तो यहाँ पर है। अब ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एक तो इसके साथ हो गया, अब एक इस यहाँ पर है तो ये इसके साथ आता है यहाँ पर, तभी यहाँ पर सिप्टा बन जाता है, एक सिप्टा यहाँ बन जाता है गाइस। अब देखिए होता क्या है अगली कंडीशन में, अगली कंडीशन में जो है अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इसी को कहते हैं क्लंप, इसी को कहते हैं क्लंप। अब एक यहां आ गया और एक वहां हो गया, तो अब यहां पर देखिए ये आ जाता है इसी के साथ, ये हो गया और एक तो यहां पर है, यहां पर है, अब ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया गाइस। तो ये यही इसी को कहते हैं डाइकैरियन, ये देखिए डाइकैरियन और ये है क्लंप, क्या कहते हैं क्लंप फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं क्या कहते हैं क्लंप फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये इसमें बनता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, किसका बेसिडियोमाइसिटीज में क्लंप कनेक्शन का फॉर्मेशन होता है, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने, हाफमैन ने। अब यहां क्लंप फॉर्मेशन क्या है, ये देखिए सीएल एएमपी है, यहां सीएल यूएमपी है, तो क्लंप फॉर्मेशन किसे कहते हैं इसको ध्यान रखिएगा। क्लंप फॉर्मेशन ये ब्राउन एल्गी का कैरेक्टर है, किसका है ब्राउन एल्गी का कैरेक्टर है, जैसे इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि क्लंप फॉर्मेशन किस में होता है, तो इक्टोकार्पस में, इक्टोकार्पस किसके अंतर्गत है, ये ब्राउन एल्गी के अंतर्गत आता है। अब इसकी ये क्या है गाइस, इसको समझिए, व्हेन वन जब एक नॉन मोटाइल गैमीट सराउंड्स बाय मैनी मोटाइल गैमीट, जब एक नॉन मोटाइल, देखिए एक नॉन मोटाइल है, जब मैनी मोटाइल गैमीट्स के द्वारा चारों तरफ से क्या करता है घिर जाता है, जब दो चारों तरफ से ये घिर जाता है, मैनी मोटाइल गैमीट्स के द्वारा चारों तरफ से घिर जाता है, तब इसे कहते हैं क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्लंप फॉर्मेशन। और ये किसका किसमें होता है, इक्टोकार्पस में, जो किससे बिलोंग करता है ब्राउन एल्गी से, ठीक है ब्राउन एल्गी है इक्टोकार्पस, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। क्लंप फॉर्मेशन किसमें होता है, ये है क्या क्लंप फॉर्मेशन, अभी डिफिनेशन भी दे करके पूछ सकता है, और ये क्लंप कनेक्शन समझा दिया। अब थोड़ा सा क्रोजियर फॉर्मेशन इसे ध्यान रखिएगा, अभी इतना समझिएगा, ये क्वेश्चन बनने वाला है गाइस, ये क्वेश्चन 99% इंपॉर्टेंट है। क्रोजियर फॉर्मेशन किसमें होता है, एस्कोमाइसिटिस का कैरेक्टर है, एस्कोमाइसिटिस का कैरेक्टर है क्रोजियर फॉर्मेशन, एस्कोमाइसिटिस, जैसे ये क्लंप कनेक्शन बार बार पूछा है कि बेसिडियोमाइसिटिस का ये कैरेक्टर है, ये किसमें पाया जाता है, तो क्लंप कनेक्शन ये बेसिडियोमाइसिटिस में, अब क्रोजियर फॉर्मेशन पूछ लेगा तो एस्कोमाइसिटिस में, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा सा चलते हैं हम गाइस, आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए एक है यहां पर फेरी रिंग, फेरी रिंग क्या है गाइस, इसको थोड़ा सा समझिए, फेरी रिंग, अब इसको ध्यान रखिए फेरी रिंग है क्या, देखिए एसोसिएटेड विद मशरूम, ये किससे संबंधित है, मशरूम से संबंधित है। व्हेन एगेरिकस ग्रो इन रिंग, जब एगेरिकस एक रिंग में ग्रो करता है गाइस, तब उसे कहते हैं फेरी रिंग। जैसे एक एगेरिकस गाइस यहां पर हो गया, ये यही छातनुमा संरचना, यहां थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर आप समझिए, गिल फंजाई कहते हैं ना इस तरीके से, ऐसे समझिए जब यहाँ 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 इस तरीके से उग जाए, एक रिंग जैसी संरचना बना देता है ये पूरा, तब उसे कहते हैं फेरी रिंग गाइस, फेरी रिंग इसे कहते हैं, किससे संबंधित है, मशरूम से, तो ये आप ध्यान रखिएगा फेरी रिंग को। कुछ कॉमन नेम है, कुछ कॉमन नेम की बात करते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन नेम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार बना है गाइस, बन चुका है कई बार बन चुका है, तो कॉमन नेम को समझिए। यहां पर कॉमन नेम यहां पर जैसे राइजोपस को क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं अथवा पिन मोल्ड, अब पिन मोल्ड इसके साथ साथ म्यूकर को भी कहा जाता है, म्यूकर को भी कहा जाता है पिन मोल्ड। अब यहां ध्यान रखिएगा पेनिसिलियम को ब्लू अथवा ग्रीन मोल्ड कहते हैं, ब्लू अथवा ग्रीन मोल्ड कहते हैं किसको, पेनिसिलियम को। ईस्ट को बेकर्स ईस्ट अथवा बर्डिंग ईस्ट कहते हैं, ईस्ट को, इससे बर्ड देखिए बर्ड निकलती है ना, बर्डिंग ईस्ट, बर्ड फंजाई भी है ये ईस्ट। एगेरिकस जो है, एगेरिकस मशरूम अथवा गिल फंजाई भी कहते हैं, एगेरिकस को मशरूम अथवा गिल फंजाई भी कहते हैं। साइथस
साइथस को बर्ड नेस्ट फंगस भी कहते हैं, बर्ड नेस्ट फंगस कहते हैं साइथस को। अगर पीजीटी का क्वेश्चन बनता है तो यहां से बनता है गाइस। एस्परजिलस को क्या कहते हैं, एस्परजिलस तो ये पूछा है भाई, वही वीड ऑफ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का खरपतवार इसे कहते हैं एस्परजिलस को। इसे ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, ब्लैक मोल्ड यूरोसियम, ये तो संरचना इसी में है। क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स को इर्गॉड फंजाई भी कहते हैं, इर्गॉड फंजाई आप जानते हैं इर्गॉड किससे प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। इससे एलएसडी भी प्राप्त होता है, एलएसडी, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड भी इससे प्राप्त होता है, किससे, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। ये क्या कहलाता है, इर्गॉड फंजाई कहलाता है। पेजाइजा को कप फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसका एपोथीसियम कप की तरह होता है, इसलिए इसको कप फंजाई भी कहते हैं। मोरकेला, मोरकेला को गुच्ची भी कहते हैं, मोरकेला को क्या कहते हैं, गुच्ची भी कहते हैं। एमेंटिया, ये जानते हैं कि ये विषैला है, विषैला कवक है। एमेंटिया को केसर मशरूम भी कहते हैं, अथवा इसे टोड स्टूल भी कहते हैं। ये टोड स्टूल अथवा केसर मशरूम, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी, ठीक है। अर्मिलेरिया, अर्मिलेरिया को हनी मशरूम भी कहते हैं, हनी मशरूम, अर्मिलेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोस्पोरा तो ये बहुत बार पूछा है गाइस, अगर इससे नहीं जानते तो फिर बेकार है। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला या प्लांट किंगडम कहते हैं, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, अथवा रेड माउल्ड अथवा पिंक माउल्ड भी कहते हैं, रेड माउल्ड अथवा पिंक माउल्ड अथवा ड्रोसोफिला या प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है, किसको, न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। तो यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलते हैं आगे की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट्स की तो अभी बात ही करूंगा गाइस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ फंजाई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत शॉर्ट में कलेक्ट मैंने किया हुआ है गाइस। देखिए जरा, पहली बात तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। विल्ट डिजीज किसके द्वारा, फ्यूजेरियम के द्वारा। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, पोटैटो में वाट डिजीज किसके द्वारा, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, जाइगोमाइसिटिस का कॉमन है ये गाइस, जाइगोमाइसिटिस में गैमिटेंजियल कॉपुलेशन ये कॉमन है, ये क्वेश्चन बन चुके हैं, ये बन चुके हैं क्वेश्चन गाइस। फंगल सेल कैन बी स्टेन्ड बाय कॉटन ब्लू, फंगल सेल किसके द्वारा स्टेन किया जा सकता है, कॉटन ब्लू के द्वारा। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा विरिडी इज यूजफुल फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है ट्राइकोडर्मा विरिडी। और एक यहाँ क्वेश्चन बना है, मुरी फॉर्म कोनिडिया गाइज, इसको ध्यान रखिएगा, मुरी फॉर्म कोनिडिया किस में पाया जाता है, तो मुरी फॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया में मुरी फॉर्म कोनिडिया होता है गाइज। अब ये है क्या, मैं आगे भी बात करूंगा गाइज, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं अब बढ़ता हूं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इसका बहुत ही शॉर्ट में है, निचोड़ है गाइस, और जिन लोगों ने यह पीडीएफ पहले से ले लिया है उनको ये पीडीएफ आज की फ्री मिलने वाली है गाइस। वो सभी अभी हैं, अभी ये भेज देंगे, अभी मैं बोलूंगा, ये सब जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे जिन लोगों ने लिया है। अगर फंजाई का आपने बिल्कुल पीडीएफ नहीं लिया है तो आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं गाइस, और 10 रुपये शुल्क दे करके, 10 रुपये। और जैसे आप एक नंबर है, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो 9219005222, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पीडीएफ फंजाई लिख करके भेजेंगे तो एकदम आपको बिल्कुल जो है एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर आप 10 रुपये पेड करके हमारे पहले लेक्चर का भी और इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ फंजाई का गाइस। और इसे अगर आप पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल ये कन्फर्म है कि आपको दूसरी जगह से पढ़ना नहीं पड़ेगा गाइस। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। पहली बात तो फूड, एज ए फूड किसके रूप में, भोजन के रूप में। एगेरिकस बाइस्पोरस एगेरिकस कंप्रेस्टिस, एगेरिकस बाइस्पोरस एगेरिकस कंप्रेस्टिस, ये क्या है, मशरूम है गाइस। और एक है मोरकेला, ये खाए जाने वाले कवक है, एगेरिकस और मोरकेला खाए जाने वाले कवक है, देख लीजिए बिल्कुल एडिबल है, ये एडिबल फंजाई है गाइस, खाए जाने वाले ये कवक हैं, इसे ध्यान रखिएगा, एडिबल फंजाई हैं ये। और दूसरा है जो है ईस्ट, ईस्ट किसके रूप में यूज होता है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड डी, ये क्वेश्चन बन चुका है गाइस, ये रिच सोर्स है यानी अच्छा स्रोत है किसका, विटामिन बी और विटामिन डी का, कौन, ईस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ फूड कॉल्ड सुफू,
अब ये तो बन चुके हैं, हो सकता है अब ऐसा नहीं तो बन चुके हैं, नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है, ये उसकी तुलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा दे देगा कहां से आप ध्यान दे पाएंगे। सुफु ये किससे प्राप्त होता है, म्यूकर से, एक प्रकार का ये क्या है, भोज खाया जाने वाला पदार्थ है सुफु, और जो किससे प्राप्त होता है म्यूकर से, गाइस इंपॉर्टेंट है। आगे ये तो हो गया एज अ फूड, इन तीनों में बात कर लिया, ईस्ट की बात किया और म्यूकर की बात किया और इनकी एगारिकस और मोरकेला की बात किया। अब इन मेडिसिन, मेडिसिन में इसका उपयोग क्या है, अब मेडिसिन में अगर नाम आता है तो पहले ही पेनिसिलिन नाम आ जाता है गाइस, एंटीबायोटिक पहला खोजा गया एंटीबायोटिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसकी खोज की, ये तो नाम आ ही जाता है, तो इसको हम छोड़ तो सकते नहीं गाइस। देखिए मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स, जैसे पहला एंटीबायोटिक कौन था, पेनिसिलिन खोजा गया था, इससे देखिए वंडर ड्रग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वंडर ड्रग कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वंडर ड्रग, वंडर ड्रग कहते हैं किसको, पेनिसिलिन को कहते हैं, पेनिसिलिन को वंडर ड्रग कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है गाइस, ध्यान रखिएगा। ऑब्टेंड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, किससे प्राप्त किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला गया था, और एक और स्पीसीज है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम, इससे तो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया गया था पेनिसिलिन, और किसने इसे निकाला था, ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कब निकाला था, 1929 में, और गॉट नोबेल प्राइज इन 1945, यानी इसके लिए, इस एंटीबायोटिक की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था गाइस। अब थोड़ा सा कुछ मेडिसिन है और कुछ उसके स्रोत हैं गाइस, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए, कुछ मेडिसिन है और कुछ उनके स्रोत हैं, तो इनको भी थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको मजा आ जाएगा। मेडिसिन जैसे पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम, इसका स्रोत है पेनिसिलिन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इर्गोटीन, इर्गोटीन किससे, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, और जानते हैं इसमें स्क्लेरोटिया संरचना होती है, तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा इर्गोटीन प्राप्त होती है, और गिवेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और शिशु के जन्म के बाद महिलाओं को दिया जाता है ये इर्गोटीन, यानी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी शिशु के बर्थ के बाद, ठीक है। अब एक और है क्लाविसिन, क्लाविसिन इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम, क्लाविसिन एस्परजिलस क्लेवेटस के द्वारा ये प्राप्त किया जाता है गाइस, एस्परजिलस क्लेवेटस के द्वारा। और एक क्लाविसिन है क्या, ये एंटी कैंसर, एंटी कैंसर सबस्टांस है, ये एंटी कैंसर सबस्टांस है गाइस, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे की ओर तरफ चलते हैं, आगे तरफ बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए कुछ इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में, इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में जैसे एल्कोहलिक इंडस्ट्री में और बेकिंग इंडस्ट्री में, एल्कोहलिक इंडस्ट्री और बेकिंग इंडस्ट्री, एल्कोहलिक इंडस्ट्री में एथिल एल्कोहल बनाता है फंजाई, और बेकिंग इंडस्ट्री में जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बेकिंग का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और इसमें यूज होता है कौन, ईस्ट, तो ये दोनों में यूजफुल कौन है, ईस्ट है, ईस्ट को ध्यान रखिएगा, एल्कोहलिक इंडस्ट्री में यूज होता है और बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है ईस्ट। अब देखिए अगला ये क्वेश्चन बन चुका है गाइस, फिर भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, चीज इंडस्ट्री में पनीर बनाने में किसका यूज होता है, पेनिसिलियम का, किसका, पेनिसिलियम का यूज होता है किसमें, चीज इंडस्ट्री में। आगे थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि इंजाइम्स, कुछ इंजाइम्स हैं जो किससे प्राप्त किए जाते हैं, जैसे इन्वर्टेज है और जाइमेज है, इन्वर्टेज एंड जाइमेज, और एक अगला है एमाइलेज, तो इन्वर्टेज एंड जाइमेज किससे प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी से प्राप्त किया जाता है गाइस इन्वर्टेज और जाइमेज, और एमाइलेज किससे प्राप्त होता है, एस्परजिलस ओराइजी से, एस्परजिलस ओराइजी से क्या प्राप्त होता है, एमाइलेज, तो ये ध्यान रखिएगा, इससे क्या प्राप्त होता है, ये दोनों प्राप्त होते हैं, ये दोनों प्राप्त होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ऑर्गेनिक एसिड को देख लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड देखिए जैसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, गैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड ये किसके द्वारा, एस्परजिलस नाइजर के द्वारा और म्यूकर के द्वारा प्राप्त होता है ये, और ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइजर पेनिसिलियम परप्यूरोजीनम इसके द्वारा ये प्राप्त होता है, गैलिक एसिड पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस के द्वारा प्राप्त होता है गैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस स्टोलोनिफर के द्वारा प्राप्त होता है, ये यही है इसकी, ये स्पीसीज है गाइस, ठीक है। अब प्रोटीन, ईस्ट केक में प्रोटीन जो है रिच होता है ईस्ट केक में, तो ये हो गया। अभी थोड़ा सा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट देखिए, इसको देखिए, जैसे जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड किससे प्राप्त होता है, जिब्रेला फ्यूजिक्रोई, ये क्या है, जिब्रेला फ्यूजिक्रोई से क्या प्राप्त होता है,
जिब्रेगलिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। ये आप जब प्लांट हार्मोन पढ़ रहे थे तो वहां पर इसका आपने जिक्र सुना था, ठीक है। अब यहां पर ये इसको देखिए जरा, इन जीनेटिक एंड अदर बायोलॉजिकल स्टडीज, यानी अनुवांशिकी और दूसरे जो है जैविक अध्ययन में किसका यूज होता है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा गाइस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईस्ट का, एस्कोबोलास और न्यूरोस्पोरा सिटोफिला, ठीक है। ईस्ट, एस्कोबोलास, न्यूरोस्पोरा, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों गाइस, तीनों को ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल स्टडी में और जेनेटिक में ये तीनों का जो है यूज हुआ है, इन तीनों का। अब एक प्रश्न है एलएसडी लाइसर्जिक एसिड फ्रॉम क्लेविसेप्स, किसके किससे प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स के द्वारा एलएसडी, ये क्वेश्चन भी आया है। एफ्लाटॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन जो है एक प्रकार का माइकोटॉक्सिन है, माइकोटॉक्सिन, माइको मतलब आप जानते हैं कि कवक, टॉक्सिन मतलब विष, जो कवक के लिए विष का काम करता है, तो वो है एफ्लाटॉक्सिन। और ये प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के द्वारा, पेनिसिलियम आइसलैंडिकम के द्वारा, पेनिसिलियम आइसलैंडिकम, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और एस्परजिलस फ्लेवस, इसके द्वारा जो है एफ्लाटॉक्सिन प्राप्त की जाती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा यहां पर देखिए इसको, जैसे फेमाइन ऑफ आयरलैंड, फेमाइन ऑफ आयरलैंड जो 1845 में आयरलैंड में फेमाइन डिजीज हुआ, तो किसके द्वारा, फाइटोप्थोरा के द्वारा, किसके द्वारा, फाइटोप्थोरा के द्वारा ये फेमाइन डिजीज, ठीक है। और एक फेमाइन ऑफ बंगाल, फेमाइन ऑफ बंगाल ये डिजीज ऑफ राइस, ये राइस का ये डिजीज है फेमाइन ऑफ बंगाल, ये किसके द्वारा, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा, ठीक है। तो गाइस मैंने बताया यह इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है सब कॉमन है इसके अलावा। लेकिन गाइस अगर, हाँ मैंने एक बात और मैं आपसे जिक्र कर दूं कि अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो 9219005282 इससे पर आप जो है आप लिखेंगे पीडीएफ फंजाई तो आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा, जहां आप ₹10 पेड करके हमारे पहले लेक्चर का पीडीएफ भी और इस लेक्चर का पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप हमारा ये पहले लेक्चर का पीडीएफ आपने नहीं प्राप्त किया है तो। जिन लोगों ने पहला पीडीएफ प्राप्त कर लिया है उन्हें मैं ये फ्री में दे दूंगा गाइस। और हाँ एक बात और, कि जो लोग बिल्कुल अपने हैंडराइटिंग में लिखते हैं, अपने से मेहनत करके लिखते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेटर है गाइस, क्योंकि तब तुरंत तुरंत ही आपके दिमाग में चला जाता है गाइस, ठीक है। तो चलिए ये रहा प्रोसेस, मैं आपसे बात किया, लेकिन गाइस यह लेक्चर आप सबके लिए कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट करिएगा गाइस, और थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और मजा आएगा गाइस, इसी तरीके से हम सभी लेक्चर लेकर के उपस्थित होंगे। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में गाइस बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए ऊर्जा के साथ, नए क्लास के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।